अपेंडिसाइटिस अपेंडिक्स के इन्फ्लेमेशन के कारण होता है। अपेंडिक्स इंसानों में एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका कोई यूज नहीं है। इसका मेन यूज होता था जानवरों में जो घास खाते थे, पर चूंकि अपन लोग बॉइल्ड खाना खाते हैं, कुक होके खाना खाते हैं, तो अपेंडिक्स धीरे धीरे हजारों सालों में श्रिंक होके हमारे इसमें एक बहुत छोटा सा एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रह गया है। जब कभी इसमें इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो वो अपेंडिसाइटिस की तरह प्रेजेंट करता है, जिसमें हमारे राइट साइड के पेट के नीचे वाले भाग में दर्द होता है। अब इनकी भी कई सीवियरिटी होती है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। अगर माइल्ड है तो इस वाले अपेंडिसाइटिस को हम लोग दवाइयों से, एंटीबायोटिक से कंट्रोल कर लेते हैं और कुछ दिनों में, 5-7 दिन में अटैक खत्म हो जाता है। लेकिन 40-50% केसेस में ये अटैक फिर वापस आएगा, और कब आएगा नहीं कहा जा सकता। तो इन वाले केसेस में हम लोग कई बार ये कहते हैं कि अगर आपको अभी सर्जरी नहीं करानी है अटैक के दौरान किन्हीं कारणों से, या तो ट्रैवल कर रहे हैं, या एग्जाम्स हैं, या तैयार नहीं है, पैसे की तैयारी नहीं है, तो हम उनको बोलते हैं कि 3 से 4 हफ्ते का जो गैप आएगा उसके बाद आप लोग तैयारी से करा लीजिए। ये एक तरीके से इलेक्टिव ऑपरेशन हो जाता है। पर 50% केस ऐसे होते हैं जो सिर्फ दवाइयों से कंट्रोल नहीं किए जा सकते, उन केसेस में हमें इमरजेंसी अपेंडिक्सेक्टमी करनी पड़ती है। कई बार अपेंडिक्स फट भी जाता है, जब वो फट जाता है तो वहाँ पे पस पड़ जाता है जो कि बॉडी में भी फिर फैलता है। ये सीवियर टाइप के केसेस होते हैं। पहले तो इसका इलाज सिर्फ होता था ओपन ऑपरेशन, पर आजकल हम लोग इसको दूरबीन से करने लगे हैं और करीब 90% केसेस में हम लोग इसको दूरबीन से कर पाते हैं। वो जो 10% है जिनमें हम नहीं कर पाते, वो इसलिए नहीं कर पाते कि वहाँ पर एक मांस का गोला बन गया होता है जिसमें मवाद भी होता है, और ऐसे केसेस में जो आसपास की इंटेस्टाइन्स होती हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, तो दूरबीन से करने में कई बार नुकसान हो जाता है। इन केसेस में फिर हम ओपन ऑपरेशन के तरीके से करते हैं। इलेक्टिव उसमें तो 4 से 6 घंटे में खाना पीना शुरू कर सकते हैं और एक दिन में छुट्टी हो जाती है, पर अगर इमरजेंसी में हुआ है तो आप मान के चलिए मैक्सिमम 2 दिन कि 12 से 24 घंटे हम उनको मुंह से कुछ नहीं देंगे, और उसके बाद मुंह से खाना पीना चालू हो जाता है, घर चले जाते हैं 1.5 से 2 दिन में। हाँ, अगर सीवियर टाइप का था कि मवाद पड़ गया था और ओपन ऑपरेशन करना पड़ा, तो वो एक बहुत ही अलग सब ग्रुप है जो सिर्फ 5-7% में होता है, उनमें इन लोगों को 5 से 7 दिन के लिए कई बार भर्ती रहना पड़ता है। ऑपरेशन के बाद कोई किसी तरह का परहेज नहीं, ना खाने पीने में, ना एक्टिविटी में। अपेंडिसाइटिस को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, ना खान पान से, ना लाइफ स्टाइल से, इसका कोई उससे लिंक नहीं।